छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। आपको बता दें कि जगदलपुर के अनुपमा चौक में एक ही परिवार के दो सदस्यों की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पुलिस हर एंगल से आरोपियों की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस को शक था कि मृतक कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही कोई सदस्य है। वहीं माँ और बड़े बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद जब पुलिस ने छोटे भाई से पूछताछ की तब उसने अपना जुर्म कबूला और उसने पुलिस को बताया कि कई महीनों से दोनों भाइयों के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। दरअसल माँ और दोनों भाई के साथ रहते थे। वहीं बुधवार रात करीब 2 बजे वह सिगरेट पीने के लिए बाथरूम में गया था, तभी बड़ा भाई आया और उसे डांटने लगा। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। वही झगड़ा इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई पर बर्तन से हमला कर दिया। इसी बीच जब माँ बीच बचाव करने आई तो आरोपी ने अपनी माँ पर भी हमला कर दिया, जिससे दोनों जमीन पर गिर पड़े। तब उसकी माँ और बड़े भाई की मौत नहीं हुई थी, फिर उसने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। बता दें कि आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। विवाद चल रहा था, बड़ा भाई क्योंकि शादी भी नहीं कर रहा था जिसके कारण इसकी शादी नहीं हो पा रही थी, साथ साथ बिजनेस में भी थोड़ा इसको नुकसान था। बड़े भाई से ये उम्मीद करता था कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट का, वो भी इसको नहीं मिल रहा था। प्रॉपर्टी भी ये चाहता था कि प्रॉपर्टी बिक जाए, बड़ा भाई नहीं चाहता था, जिस वजह से इसको फाइनेंशियल जो गेन हो सकता था प्रॉपर्टी का वो भी नहीं हो रहा था। तो इन सब चीजों को लेकर इसके मन में कुंठा थी और इस वजह से इनके बीच में हमेशा विवाद होता रहता था। जब इसे दूसरे दिन बयान लिया गया था तो इसने कुछ काल्पनिक घटना बताई थी जिसमें इसने बताया था कि 4 लोग नकाबपोश लोग आकर के ऐसी पूरी घटना करके गए। इससे पूरी सीन ऑफ क्राइम का भी पूरा मुआयना कराया गया और जो भी बातें इसने बोली थी उसको कोरोबरेट किया गया है। सारे एविडेंस साक्ष्य जो है वो घटनास्थल से निकाल लिए गए हैं और अब आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।